इस प्रोग्राम के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बात और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात हरियाणा के मनोहर परिणाम की करेंगे, जिसने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसकी बदौलत आज सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सही साबित होता नजर आया है। आज बड़ी बात में बात करेंगे हरियाणा के लिंगानुपात में होते सुधार की। जी हां, हरियाणा के लिंगानुपात में जबरदस्त सुधार देखा गया है। अब हरियाणा में लिंगानुपात का आंकड़ा जो है 900 के पार चला गया है, जिसकी कोशिश सरकार काफी पहले से कर रही थी। अब सरकार इस आंकड़े को 950 के पार पहुंचाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ सशक्त हरियाणा सुरक्षित बेटियों पर भी चर्चा जरूरी है। तो बड़ी बात में बात करेंगे लिंगानुपात की, लड़कियों की सुरक्षा से जुड़े तमाम मसलों की, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के लिए अच्छी खबर है। ये खबर हरियाणा की जनता के लिए भी अच्छी है, ये उन लोगों के लिए भी अच्छी खबर है जो सरकार की इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। दरअसल खबर ये है कि हरियाणा में लिंगानुपात में जबरदस्त सुधार आया है। 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 900 से ऊपर पहुँच चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सलाहकार बोल रहे हैं कि 3 सालों में इस मुहिम की बदौलत लोगों में जागरूकता आई है, लिंगानुपात में सुधार आया है, सरकार 952 का आंकड़ा छूने की कोशिश में लगी है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं बहुत गंभीरता और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इतिहास में पहली बार सेक्स रेशियो एट बर्थ 900 का आंकड़ा पार कर गई थी। अभी 913 का आंकड़ा पिछले महीने अपना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का था, सेक्स रेशियो एट बर्थ का। ये हमारे लिए बहुत संतोष की बात है, इसको हम और ऊपर, जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 950 और उससे ऊपर 952 का आंकड़ा नॉर्मल माना जाता है, सामान्य माना जाता है, उसको हम प्राप्त करने की ओर अग्रसर। हरियाणा के कई जिलों में ये सुधार काफी अच्छा देखने को मिला है। सीएम सिटी करनाल की बात करें तो पिछले साल दिसंबर में जहां लिंगानुपात 909 था, वहीं अब ये आंकड़ा 922 जा पहुंचा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की माने तो जलमाना पीएचसी एरिया में सबसे ज्यादा 1083 लिंगानुपात है, वहीं तरावड़ी में 1089 और बरसत में 1014 है। वहीं कैथल में लिंगानुपात बढ़कर 901 पहुँच चुका है। 218 तक स्वास्थ्य विभाग और जिले के अधिकारी ये आंकड़ा 930 पहुंचाने की कोशिश में हैं। करनाल जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार और हमारे हेल्थ मिनिस्टर के प्रयासों से, और जो इस वक्त सेक्स रेशो है 922 पहुंच चुकी है। पिछले साल दिसंबर में जो रेशो थी 909 थी और इस बार 922 है। इसमें स्वास्थ्य विभाग इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के प्रति पूरी तरह सजग है। सरकार की योजनाओं और लोगों के प्रयास से हरियाणा के लिंगानुपात में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार को अब बेटियों की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ सशक्त हरियाणा सुरक्षित बेटियों पर जोर देना होगा। अभिषेक चतुर्वेदी, खबरें अभी तक। तो
तो मनोहर परिणाम तो हैं, खासतौर पर अभी कहा जा सकता है कम से कम पहले भी सरकार दावे कर चुकी है कि हरियाणा में लिंगानुपात के आंकड़ों में सुधार देखा गया। हालांकि उस वक्त आरोप ये लगे कि फर्जीवाड़ा पाया गया और खुद स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश भी उस वक्त दिए थे, लेकिन फिलहाल जो खबरें निकलकर सामने आई कि हरियाणा के कई जिलों में कई शहरों में लिंगानुपात का जो आंकड़ा है वो काफी सकारात्मक कहा जा सकता है कि जिस दिशा में सरकार काम कर रही है उससे परिणाम आने भी शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत से शुरुआत की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की, और उस वक्त कारण यह माना गया था कि हरियाणा की स्थिति जो थी वो काफी शर्मसार करने वाली थी बेटियों को लेकर, बेटियों के जन्म को लेकर, बेटी पैदा होने के आंकड़े को लेकर, लिंगानुपात को लेकर। तो अब जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि 900 से पार आंकड़ा जा चुका है, कम से कम सरकार अब अपनी पीठ थपथपा सकती है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम ही रंग लेकर आई है? क्या कानूनी खौफ जो बनाए जाने की कोशिशें थी वो खौफ कायम हो गया है? और क्या समाज जागरूक हुआ है? और साथ ही क्या राजनीति भी इस मसले को लेकर, चूंकि महिला सुरक्षा कानूनी कहें कि जो चुनावी मुद्दा लगातार रहा है, क्या उसमें राजनीति भी हो रही है? इन सवालों के जवाब लेंगे कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। नीलम चौधरी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता आप हैं, सीमा चौधरी इनेलो का पक्ष रखेंगे चर्चा में, भूम सिंह कांग्रेस से हमारे साथ स्टूडियो में हैं, साथ ही राजवंती मान सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं, और अनिल आर्य राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। शुरुआत बीजेपी से, नीलम जी क्या लगता है इन आंकड़ों को देखकर सरकार सफल हुई है, मनोहर ये परिणाम है? जी जरूर, ये आंकड़े वाकई में बहुत अच्छे हैं, और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करती हूँ, करीबन 15 डिस्ट्रिक्ट में ये आंकड़ा 900 से ऊपर हो चुका है और करीबन 6 में 850 और 900 के बीच में है, और जो लेटेस्ट अभी जो झज्जर का है और हिसार का दोनों में ही 920 से ऊपर भी पहुंच चुका है। तो ये एक निश्चित तौर पर एक सफलता है जिसमें सरकार का भी योगदान है, बाकी जो एनजीओज हैं उनका भी योगदान है, हमारे जो समाज के अलग अलग हिस्से मिलकर काम कर रहे हैं, तो उन सबका ये एक सफल प्रयास है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से हमारी जो बेटियों की संख्या है वो बेटों के बजाय बढ़ती जा रही है। और जैसे कि जो हम प्रपोर्शन निकालते हैं कि जो जीवित बेटियां हैं जो हर महीने जो पैदा होती हैं बॉयज के कंपैरिजन में, वो डेफिनेटली वो जो मार्क है वो अचीव होता जा रहा है, ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारी एक सफलता का जो एक मुख्य कारण रहा है जो जेंडर रेशियो बढ़ाने में, एक तो जो सेक्स डिटरमिनेशन के टेस्ट जो कंडक्ट किए जाते हैं इलीगल वे में, उस पर एक बहुत अच्छा कंट्रोल हुआ है, और दूसरा जो फीमेल फिटिसाइड है जो बेटियों को भ्रूण जो पैदा होने से पहले मार दिया जाता था उनकी संख्या में काफी कमी हुई, जिसकी वजह से जो है लड़कियों का जो जन्म देर जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। तो बहुत सारे कदम उठाए गए हैं और इसकी वजह से भी हमें इसका लाभ मिल रहा है। और सीमा जी, काफी कोशिशें सरकार की ओर से की गई थी, लाभ नजर आया है? देखिए, सरकार की जहाँ से बात रही कि बहुत बड़े होल्डिंग्स लगाकर बहुत बहुत एनजीओस की सहायता लेकर इन्होंने ये चीज करी है कि बेटी आज जो आंकड़े हैं बेटी वाकई बची है, पर बेटी बचाने से क्या ताल्लुक अगर बेटी को सुरक्षा नहीं कर दे सकते? आज आप देखिए गुड़गांव जैसे शहर जो कि हम दिल्ली के बिल्कुल सटा हुआ है उसमें आज बेटियां सुरक्षित नहीं। आज पंचकुला जैसे शहर जो कि हम अगर देखें हरियाणा की कैपिटल मानते हैं इसको हम लोग, आज यहाँ बेटियां सुरक्षित नहीं, कॉलेजों के आगे कोई जिप्सी नहीं खड़ी होती, और कहीं भी मतलब आज अभी भी कहीं ना कहीं लोगों में एक खौफ है कि भी अगर बेटी पैदा तो कर ले पर उसकी सुरक्षा कौन करेगा, क्या करेंगे? आज महिला थाने तो खुल गए पर वहां जहाँ FIR भी लॉन्च होती हैं पर उस पर कितनी कार्रवाई होती है ये भी कुछ नहीं पता, क्योंकि पंचकुला के एक दो केसेस ऐसे हैं जहाँ की महिला थानों में ही उस लड़की को दबाया गया और कहा कि तुम अपनी एप्लीकेशन वापस ले लो, तो हम लोगों ने उसकी मदद करके DSP SP से कहकर उसकी एप्लीकेशन पे कार्रवाई की। ठीक है, तमाम तो मतलब, लेकिन मतलब आंकड़ों में जो सुधार है काबिले तारीफ है मानेंगे? मतलब काबिल तारीफ तो चलो हर सरकार अपने जब सरकार आती है तो हर चीज बेस्ट करने की तो तारीफ होनी चाहिए, मतलब करती तो है, पर मैं इस चीज को नहीं मानती जब तक बेटी सुरक्षा के अहम जो कदम इन्होंने वादे किए थे जब सरकार आई थी कि हम बस कंडक्टर भी महिला करेंगे और हर डिस्ट्रिक्ट में महिला पुलिस होगी, महिला जिप्सी होगी, वहां पे ये बिल्कुल फेल है, इनको यहाँ पे मतलब जीरो विफल है इस मामले में। ठीक है, ये विफल है, जवाब भी बीजेपी से ले लेंगे, उससे पहले कांग्रेस क्या कहती है इन आंकड़ों को लेकर? भूम सिंह जी क्या लगता है, 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है जिसमें से 3 साल बीजेपी के मान लिए जाए, 7 साल आपके जो रहे उससे अच्छे आंकड़े निकलकर सामने आते हैं, बीजेपी को बधाई देंगे इस चीज के लिए, सरकार को बधाई देंगे? ज्योति जी, जो ये 3 साल में हुआ है ये एकदम तो हुआ नहीं, आखिर पीछे भी जो शुरुआत की है वो कांग्रेस पार्टी के ही द्वारा की गई थी, काफी सुधार जरूर नजर आया है इन 3 सालों में, सुधार नजर आया, जरूर आया, साफ निकलकर सामने आया, उस बात को डिनाई नहीं करते किसी भी उसका,
परंतु शुरुआत तो हमारे कांग्रेस पार्टी के समय से ही हुई थी। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी के समय में बहुत ज्यादा बुरा हाल था या उस तरह था। और आज मैं एक बात कहता हूं, किसी पार्टी का या सरकार का इसमें कोई बड़ा रोल नहीं होता, हमारी सामाजिक वो जिम्मेवारी भी है। आज समाज आगे बढ़ रहा है, आज समाज एक बेटियों के प्रति बहुत ज्यादा सजग है। की बात कर लेंगे, हालांकि चौटाला साहब की सरकार रही उस वक्त 879 का ही आंकड़ा था, जो कि 900 के पार जा चुका है करीब करीब 15 जिलों में। बाकी जिलों से भी अच्छी खबर इस तरह के सामने आ रही है कि आंकड़ों में सुधार हुआ, तो आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस के वक्त में भी सुधार हुआ। जितना कहीं अंतर जो नजर आ रहा है आंकड़ों का, उसके लिए कम से कम सरकार को जितना बनता है उतना क्रेडिट दिया जाए। ज्योति जी, हमने कहा है कि कांग्रेस के राज में भी बुरा नहीं रहा है बिल्कुल भी, हाँ, परंतु हमने ऐसी सुविधाएं और इतना ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे दिया कि उसके रिजल्ट अभी आने शुरू हुए। इसके बाद अगर हम कहें कि सारा ही एकदम वो ये तीन साल में एकदम नहीं का असर नहीं था, ये बहुत शुरुआत से काम किया गया था, हुड्डा सरकार के दौरान काम किया गया, नजर आपकी सरकार में आ रहा है। जी, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो मैंने अभी इलीगल सेक्स डिटरमिनेशन की जो बात कही है, उसमें 2014 से लेकर 2017 तक करीबन 7000 से थोड़े से ज्यादा ही छापेमारी की गई है, और जिसमें बहुत सारी मशीनें जो अल्ट्रासाउंड के 236 वो सील की गई, बहुत लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए, 243 इन्फॉर्मर्स को भी असम्मानित किया गया है। तो इतने लार्ज स्केल पे जो जो ये रैकेट लोग चलाते थे फीमेल इन्फेटिसाइड के लिए, तो उस पर जो एक बहुत एक कहते हैं ना, एक बहुत सख्त कदम उठाना, हाँ। ये एक प्रोसेस ऐसा था, अगर सख्ती ना बरती जाती तो ये रेशो कभी भी ऊपर ना आता। जब तक सरकार सख्त कदम नहीं उठाएगी तब तक हम समाज की बुराई को खत्म नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए इतने लार्ज स्केल पे काम किया गया है कि लार्ज स्केल पे काम किया गया। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम जो है वो मील का पत्थर साबित हुई आंकड़ों में? आंकड़ों के हिसाब से देखें तो मील का पत्थर जरूर साबित हुई है, क्योंकि अगर हम पिछले 100 साल में देखें तो ये आंकड़ा 2001 में ऑलमोस्ट वही खड़ा था जहां 1901 में खड़ा था जी। और 2001 से 2011 तक भी सुधार हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम ही हो गया हो। ठीक है। वो 861 से 879 पे आया है, हाँ। अब और सुधार हो रहा है। ये जरूर है कि जिस व्यापक स्तर पे इसको लोकप्रिय बनाया गया, हाँ। उससे लोगों की मानसिकता में भी सुधार आया, और पिछले 10-11 साल में सब इससे है कि इसमें, क्योंकि पार्टी का मेरा कोई ताल्लुक नहीं जी। लेकिन ये कोई एक दिन में मानसिकता परिवर्तित नहीं होती है, इसके लिए सतत प्रयास लगे रहे हैं, उसी का परिणाम है। लेकिन हाँ, आज ये खुशी की बात है कि ये आंकड़ा 900 को छूने जा रहा है। ठीक है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर से अभी भी बहुत पीछे है, और तुलनात्मक रूप से क्या ये सतत प्रयासों का परिणाम है या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का परिणाम है? अनिल जी, ज्योति जी, जैसे राजवंती मान जी ने अभी बताया कि पिछले जो है ना 100 सालों में वही आंकड़ा था, और पिछले 17 सालों में काफी सुधार हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा प्रयास जो किया गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, हाँ। उन्होंने जनवरी 2015 में स्पेशल एक डिपार्टमेंट बना के एक टारगेट सेट किया गया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान, एक अभियान का नाम ही दिया गया, और खासकर इसमें 6 स्टेट्स जो सारे के सारे नॉर्थ इंडिया के हैं उनको इसमें चयनित किया गया, जिनमें से हरियाणा भी एक है, उत्तर प्रदेश भी बहुत बड़ा स्टेट है। और मैं मानता हूं इसको कि खासकर 90 के दशक में यहाँ बुराई रही है, और जो महिलाओं के प्रति, खासकर छात्रों जो छात्राएं हैं उनके प्रति पार्शलिटी बढ़ती गई है, हाँ। और भ्रूण हत्याएं भी होती रही है, लेकिन जिस स्तर पर नेशनल मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया था इतने स्तर की बात नहीं है। मतलब एक नेशनल मीडिया ने यहाँ एक तालिबान जैसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, हाँ। था कि हरियाणा में जो है तालिबानी लोग रहते हैं जो महिलाओं का शोषण करते हैं, महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, महिलाओं को मार देते हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। वो हमारी माँ भी हैं, बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, सारे वो है। कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा हरियाणा में कि जो अपने परिवार के सदस्यों को मारना या इस तरह का पसंद करेगा। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी की ये योजना आई है उससे बहुत फायदा हुआ है। इस योजना के साथ उन्होंने 8-10 योजनाएं अलग से जोड़ रखी हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी की भी बात है और आर्थिक सिक्योरिटी की भी बात है। 5-6 योजनाएं तो ऐसी हैं, जब बेटी जो है 12 साल की होगी तब उनको इतने पैसे मिलेंगे पर महीने की,
की भी रखी गई है। मान लो जिसके घर दो बेटियां हैं तो 4000 के आसपास उनको जो है पेंशन मिलती है सोशल सिक्योरिटी की। और जैसे ही लड़की 12वीं पास करती है वो किसी तकनीकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाना चाहती है तो काफी सारी मदद जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। मैं जी कभी खाप को लेकर, कभी एक ऑनर किलिंग को लेकर और कभी तमाम चीजें जिनको लेकर की महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रही है। हरियाणा की एक छवि पेश की जाने की कोशिशें रही लेकिन कल्पना चावला भी हरियाणा से आती रही। और साथ ही साक्षी मलिक की बात कर लें, गीता बबीता बहनों की हम बात कर लें, अभी मानुषी छिल्लर की बात कर लें, सातवीं आंकड़े, क्या हरियाणा की छवि सुधरेगी उम्मीद की जाए? जी डेफिनेटली, मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ। अभी आरजी ने हमारी जो योजना थी आपकी बेटी हमारी बेटी के बारे में कहा, उसमें 21,000 रुपए जमा किए जाते हैं पहली बेटी जो SC ST है उनको 21,000 और बाकी सबके जो है उनकी दूसरी बेटी पर, ताकि बेटियों को बढ़ावा दिया जाए। तो स्कीम्स जो है उसमें डेफिनेटली बहुत सारी और भी हैं जिनमें फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाती है, वो एक तरह से प्रमोटिंग है ताकि लोग बेटियों को किसी भी तरह से बोझ ना समझे। दूसरा जैसे अभी आपने ऐड किया तो हरियाणा की बेटियां जो है वो डेफिनेटली एजुकेशन में, स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, जैसे अभी मिस वर्ल्ड भी जो रही हैं तो हर फील्ड में वो निकल के आ रही हैं, क्योंकि उनके पीछे उनके पेरेंट्स खड़े हैं, उनके पीछे उनकी सरकार खड़ी है, हर तरह के उनको प्रमोट किया जाता है, हर तरफ उनको सहारा दिया जाता है। इवन जो हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्स में भी है, मैं आपको बताऊँ बहुत सारे जो प्राइजेस हैं ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, जो लड़कियां ग्रामीण खेलों में खेलती हैं उनको भी बहुत अच्छे प्राइजेस दिए जाते हैं, जो कि 12,000 से लेके 8,000 तक, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड इनको सारे कैंडिडेट्स को ब्लॉक लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे जो ग्रामीण। एक मैं आपको चीज बताना चाहती हूँ, जो सबसे ज्यादा दिक्कत प्रोफेशन इसमें आता है वो गांव के केसेस में ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। तो इसलिए हमारा ज्यादा से ज्यादा जो स्ट्रेस है वो रूरल एरिया पे जाता है, और इसीलिए जो जैसे गांव में जो महिलाएं गर्भवती होती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है, और इसके लिए ANM और जो आशा बहनें हैं उनको स्पेशली ट्रेन किया गया है कि जितनी महिलाएं हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो, ताकि किसी भी तरह से इलीगल वे में जो गर्भपात वगैरह है उस तरह की कोई समस्या ना आए। तो हमें पहले से पता होता है कितनी संख्या है, इसलिए हम उस संख्या के और अच्छे नजदीक पहुंच जाते हैं। तो नेचुरली अगर हम उनकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उन्हें सारी सुविधाएं देंगे, तो डेफिनेटली ये नंबर और अच्छा होता चला जाएगा और हमारी महिलाएं फिर समाज में और अच्छे मुकाम हासिल करती जाएंगी। चलिए इन लोगों पक्ष जानेंगे हम। सीमा जी क्या लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान रहा, जो मुहिम रही, बीजेपी सरकार की उस फेहरिस्त में शामिल है जो कि उपलब्धियों की फेहरिस्त है, उसका बड़ा नाप है, क्या लगता है अब जो आंकड़े आ रहे हैं उससे सरकार कह सकती है कि हमने काम किया और काम नजर भी आया? देखो ऐसा तो बिल्कुल ही, क्योंकि ताऊ देवीला जी जो कि हरियाणा के निर्माता रहे हैं उन्होंने भी शगुन योजना और पेंशन की ये मुहिम शुरू की थी, बेटियों को सम्मान दिया था और उनकी जच्चा बच्चा की खुराक पे भी उन्होंने काफ़ी तवज्जो दी थी। और जैसे कि आपने बताया कि चौटाला उनकी सरकार में भी लड़कियों की इतनी स्थिति नहीं गिरी थी, पर आज जो मैं पहले भी बात कही है कि जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी हमारे हरियाणा में शहरों में इतनी कम है कि हमारी बच्चियों को और शहरों में जैसे दिल्ली जैसे शहर और कहीं जा जाके पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मतलब बेटी तो बचा ली पर पढ़ने के लिए आज पंचकूला जैसे शहर में कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं है, हमारी बच्चियां कहाँ पंजाब में कहीं कहीं जाके पढ़ाई करती हैं, क्या होता है बेचारी बस पकड़ती है उनकी वहाँ शोषण होता है, मतलब रात को ऑटो नहीं मिल रहा बेचारी रात को देर घर आती है, तो मतलब ये सब चीज़ें अभी तक उसमें सुधार नहीं है। और हरियाणा की अगर बात नहीं तो सबसे ज़्यादा जो डेंजर जो हमारा इलाका है वो है गुड़गांव, जो कि एक मल्टी नेशनल मतलब बहुत अच्छी सिटी है, वहाँ पे आज मतलब थ्री व्हीलर भी अगर रास्ते में पकड़ो तो भी एक लेडी डरती है कि थ्री व्हीलर बैठूँ कि नहीं बैठूँ, बस पकड़ूँ कि ना पकड़ूँ। तो मतलब जो इनके वादे थे कि हम बेटियों के लिए इतने कुछ कर देंगे, यूनिवर्सिटीज खोल देंगे, कॉलेजेस खोल देंगे, वो अभी उस स्तर पर कोई काम देखिए काम तो किया गया। भूम सिंह जी, जब कुछ गलत होता है तो खबरें अभी तक कहता भी है कि सरकार यहाँ पर गलत है, लेकिन अब जो आंकड़ों में सुधार हुआ तो वो तमाम चीजें माननी पड़ेंगी, वो तमाम कोशिशें माननी ही पड़ेंगी कम से कम पैनल पर कि सरकार ने कोशिशें जरूर की थी। ज्योति जी, जो नीलम जी ने अभी बताया जो योजनाएं के बारे में, योजनाएं तो जैसे सीमा जी ने बताया चौटाला जी के राज में भी थी और कांग्रेस के राज में इतनी ज्यादा थी कि पिछली सरकार ने बहुत ज्यादा सुविधाएं जो अभी ये गणवारी है जो ब्लॉक वाली वो ऑलरेडी थी सारी चीजें, और उन्हीं का एक रिजल्ट की वजह से ही आज ये सुधार हुआ है। और जैसा अभी आर्या जी ने कहा कि हमारा एक मतलब हमारा सामाजिक जो भाईचारे के अलावा बेटियों के प्रति हमारा बहुत ज्यादा सजग होना, नहीं जो बड़े पढ़ाई पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया आप उसको नहीं मानते कि उसका असर नहीं है? बिल्कुल, आज हरियाणा के अंदर आप अगर फील्ड में देखिए, सिर्फ हम पंचकूला की बात करें, सीमा जी ने कहा भी गुड़गांव की कोशिशें भी की गई स्कूल से लेकर ग्रामीण स्तर के ऊपर, देखिए बिल्कुल भी कुछ भी नहीं उसका असर नहीं है ग्रामीण स्तर के ऊपर, देखिए वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। इवन के जो छोटे शहरों में
चाहे वो कितने जो पानीपत, अंबाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र कहीं की भी बात लीजिए, तो वहां भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और एक ये सरकार का कोई वो नहीं देख रहा कि महिलाओं बेटियों के प्रति कोई अच्छा स्टेप, कोई ऐसा स्टेप आउटस्टैंडिंग, कोई ऐसी चीज सरकार ने दिखाई हो। सामाजिक पहलू क्या है लिंगानुपात के आंकड़ों के बढ़ने या घटने के पीछे? सामाजिक पहलू इसका यह है कि हमारी मानसिकता बदली है, उसके पीछे हमारी खेलों में आने वाली लड़कियां एक रोल मॉडल की तरह हुई हैं। हमारी जो एक तरह से अनछुआ सा पहलू था मानुषी छिल्लर का, बहुत सारे लोगों में ये एक प्रेरणा के तौर पे वो आई हैं, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं जो भी हैं, क्योंकि समाज में समाज का हिस्सा जो है अगर वो सामने आते हैं तो वो सबसे प्रेरणा स्रोत बन के उभरते हैं। हाँ। और इसमें योजनाएं साथ देती हैं, हम योजनाएं चलती भी रहें, आप सरकार का डंडा भी चले, अगर लोग नहीं बदलेंगे तो बड़ा उसका असर कम होता है। ये इसमें इस सरकार में जो हमने देखा है वो ये है कि जिस तरह मैडम ने कहा था कि ये इलीगल जो फिटिसाइड सेंटर्स बने हुए थे, एक तरह से लीगल सा काम चल रहा था, वो हटाना सबसे बड़ा, वो उसको तोड़ना सबसे बड़ा इसमें मील का पत्थर साबित हुआ है कि उनमें एक डर पैदा हुआ है और इसका असर हुआ है। हाँ, वो कोई भी सामाजिक परिवर्तन जब होता है तो पहले उसके उस डर से स्टार्ट होता है, उसके बाद आप उसके रिजल्ट जब सामने आते हैं तो आपकी मानसिकता अपने आप बदलती है। तो ये हरियाणा की बेटियां ही बेटियों के लिए आदर्श भी बनी है, ये भी मानते हैं निश्चित तौर पर। ज्योति जी, मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी जो बेटियां हैं या वो आज से नहीं है, काफी पुराने समय से रही है, उनके कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए। 1961 में हमारी दुबलधन की एक लड़की जो है मिस इंडिया बनी थी। और एक बात और बताता हूँ मैं आपको हरियाणा की संदर्भ में, हरियाणा में जो एजुकेशन आई वो 1920 के दशक में आ गई थी। उस टाइम अमेरिका और इंग्लैंड में भी स्वप्रांत परिवार की महिलाएं एजुकेशन लेती थी, लेकिन हमने गुरुकुल यहाँ जो है ना स्थापित कर दिया था 1920 में। 1923 में हमने यहाँ पर महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया था। ऐसी बात नहीं है कि हम किसी भी चीज में पीछे है, एक अलग सी धारणा बन गई थी बीच के कुछ 60 और 70 के दशकों में, और वो एक बदलाव का दौर था जब हमारे घर की लड़कियां एजुकेशन के लिए बाहर निकलने लगी और दूर दूर एजुकेशन लेने लगी, तो थोड़ी सी सुरक्षा की भावना रहती है। एक हमारा समाज जो है वो ये है कि भाई दूसरों की जो लड़कियां हैं खासकर उन पे ज्यादा फोकस रखा जाता है कि वो कितने बजे आती है, कितने बजे जाती है, इसलिए जो है महिलाएं खास घर की ही महिलाएं उन लड़कियों के ऊपर बंधन लगाना शुरू कर देती हैं। अब मानुषी छिल्लर के बाद में खासकर जो ये फोगाट सिस्टर्स है, इन्होंने तो सारे बंधनों को तोड़ने का काम किया है। मैं तो ये कहूंगा बंधन नहीं तोड़े उन्होंने, तो हमारे मान और सम्मान को राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया है कि हमारी जो लड़कियां हैं हरियाणा की वो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते हैं, और साक्षी मलिक ने तो ओलंपिक में मेडल जीता है। जी, तो निश्चित तौर पर इन्होंने सम्मान बढ़ाने का काम किया, प्रेरणा स्रोत बनी हमारी। बिल्कुल लड़कियां, भूम सिंह जी, हालांकि आपने कहा कि योजनाएं हमारे वक्त में भी थी, इनामी राशि की बात कर ली जाए या जागरूक किए जाने की बात को आप लोग भी कर रहे थे, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में रहा कम से कम कि बीजेपी की ओर से तुलनात्मक रूप से ज्यादा कोशिशें की गई, ज्यादा असर नजर आया। ज्योति जी, मैं कह रहा हूँ कि 3 साल के अंदर बहुत कुछ नहीं, जैसा हम सभी प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक शुरुआत थी, एक लंबी प्रक्रिया। पिछले 10-15-20 सालों में हमारा हरियाणा इतना ज्यादा सजग हुआ है, सजग तो पहले भी था। हाँ। परंतु जैसे फोगाट सिस्टर ने या और साक्षी मलिक जी ने या औरों ने इतने बड़े बड़े मेडल दिए भी, हमने हरियाणा ही नहीं, हमने हिंदुस्तान संसार का एक वो दिखाया भी, हरियाणा में कितना दम है, हरियाणा की बेटियों में कितना ज्यादा वो है। तो इस करके इस बात को सिर्फ ये लेना कि 3 साल के अंदर अंदर ये अनुपात ज्यादा बढ़ गया है, ये सरकार की प्राथमिकताओं की पहले भी कांग्रेस पार्टी के राज में कोई कमी नहीं रही किसी भी तरह की। हमने हर चीज के प्रति बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए हर कार्य किया है, उसमें चाहे वो सगुन स्कीम थी और कोई भी स्कीम थी जो आज भी कर रहे हैं, थोड़ी बहुत इन्होंने बढ़ा दी होंगी वो कोई बात नहीं, परंतु शुरुआत हमने करी थी। जी, जैसे अभी राजवंती जी ने कहा कि
कोई भी अगर हम बदलाव लाना चाहते हैं तो उसमें दोनों चीजों का जरूरी होना बहुत जरूरी है। एक तो सरकार का कदम, उसकी सख्ती, और जहां पे सख्ती है वहां पे सख्ती करनी चाहिए। जहां पे एडवर्टाइजमेंट की जरूरत थी वहां पे सबको एडवर्टाइज भी किया गया, जहां पे फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी वहां पे फाइनेंशियल हेल्प दी गई परिवारों को, और हर एक लेवल पे उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई। तो जब भी हम कोई भी रिवोल्यूशन लाना चाहते हैं तो सबको मिलके काम करना पड़ता है। वो मिलके काम करने की जो स्ट्रेटेजी सरकार की रही है उसने बहुत असर दिखाया है। तो जब आप किसी काम में इन्वॉल्व होते हैं, उसके हर एक हिस्से में पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी हर जगह पे उसकी एडवर्टाइजमेंट जो है और उसका साथ देते हैं, जब पूरी सरकार उसमें लगी हुई है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बेटी बचाओ बेटी बचाओ के अलग अलग फंड्स हैं, तो ये सब चीजें जब मिलके काम करती है ना तब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, ये जो एफर्ट्स हैं ये सरकार के टाइम में बहुत ज्यादा हुए हैं, और उसका अगर कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता तो वो उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती है, बट ये तो सबको दिख रहा है कि हमने एक अच्छा शुरुआत हुई होगी तभी क्रेडिट मिला है जी उसका। अब ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल हमारे उसमें बहुत कम था, तो थोड़ा सा सुधार हो गया वो भी हमारी अपने। देखिए अगर पूरे पैनल पर अगर हम दो पक्ष परिभाषित कर लें, एक पक्ष में कहें कि सरकार और सिस्टम दोनों आते हैं, दूसरे पक्ष में समाज आता है, सीमा जी क्या लगता है कौन से पक्ष की ज्यादा भूमिका रही? देखिए मैं तो कहूँगी समाज की भी भूमिका रही है कि अगर जैसे मतलब अगर बीजेपी सरकार ने ये चीज़ कही है तो ये चीज़ ये तो है नहीं कि जीना लोग तीन सालों में सीखें, ऐसा तो नहीं। पहले भी बेटियां आगे आती थी, बेटियां कहाँ तक, जैसे ऐश्वर्या राय जी किस टाइम में मिस वर्ल्ड बनी है, वो तो ऐसा नहीं कि शुरू से ही बेटियां आगे आई हैं। बेटियां पिछली सरकारें कुछ ना कुछ बेटियों के लिए हमेशा करती आई हैं, पर मैं तो ये कहूँगी चलो ठीक है बेटियों में सुधार आया है, पर ऐसा तो नहीं कि अगर 200 था तो सीधा 1000 आ गया तीन सालों में, ऐसा तो नहीं है। कोई 50-100 चलो ऊपर हुआ है, कितना ये नहीं कि बहुत रेवोल्यूशन इतना आ गया है, पर बात मैं तो सिर्फ सुरक्षा की करूंगी कि बेटियां और सुरक्षित हो सकती हैं अगर ये सरकार जो मतलब चाहे अगर हर हर स्टेट में क्या हर बड़े शहरों में अच्छे कॉलेजेस हों, अच्छी हो, लड़कियों को सुरक्षा मिले, बसों में कंडक्टर हो। और आप चंडीगढ़ की बात ले लीजिए, आप रात को भी देखो हर जगह जिप्सी, चार चार मतलब दो दो जिप्स, एक मिनट में अगर फोन करते हो 5 मिनट में आप कोई ना कोई वहां पे आ जाता है। हाँ। पंचकुला शहर में देख लो आप, बिल्कुल रात को मतलब 12 बजे भी जाओगे आप तो कहीं जिप्सी नहीं कहीं पुलिस नहीं, तो ऐसे कहां सुरक्षित होंगी बेटियां? तो वही हाल मतलब हो जाएगा, मतलब बिल्कुल बड़ा पहलू है जिसको हमने नजरअंदाज कतई नहीं किया। महिला सुरक्षा को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, राजनीति को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि महिलाओं को बेटियों को अगर आपने बचा लिया है तो बेटियों को सुरक्षा कितनी दे पाएंगे, सरकार की कितनी जिम्मेदारी है। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकते हैं, उसके बाद सरकार बेटियों को सुरक्षा कितनी दे पाई और कितना दिए जाने की सुरक्षा जरूरत है चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद।